हेलो, मेरी तरफ से सबको होली की ढेर सारे शुभकामनाएं। क्यों मनाते हैं होली, इसकी कहानी हम बताने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा को पूजा करके बहुत बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया था। ना तो वो अस्त्र से मरेगा, शस्त्र से मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना उसको कोई राक्षस मार सकता है, ना कोई देवता मार सकता है। जब वो तपस्या करने के लिए गया था, तब उनके पत्नी जो कैद थी वो गर्भवती थी। तब उनकी पत्नी को भगवान इंद्र ने किडनैप कर लिए थे। वो यही सोच रहे थे, उनको यही डर था कि उनकी पेट में भी एक राक्षस होगा और वो भी अपनी पिता से भी और भी तेज होगा, निष्ठुर होगा। ये सोच के वो लेके गए थे, लेकिन तब तो वो नारद जी उनसे मिले और उनको बचाकर अपने आश्रम में ले गए कैद को। तब जाके उनको वो ज्ञान दिए। तब तो उनके पेट में प्रहलाद थे। तो वो पेट में जब थे तब तो सारे बातें वो सुन रहे थे। ऐसे करके वो पैदा हो गए। पैदा होने के बाद वो ऐसे ही माँ बेटे दोनों को ज्ञान देते रहे और दोनों सुनते रहे। ऐसे करते करते 6 साल 7 साल ऐसे निकल गया। उसके बाद इसी के बीच जो हिरण्यकश्यप था उसको सारे वर प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद प्रहलाद अपने घर गया। एक दिन उसके पिताजी ने उसको गोद में बिठा के बड़े प्यार से बोले, अच्छा बेटा तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? प्रहलाद बोले, हमको जंगल में अकेले जाके भगवान विष्णु को पूजा करना अच्छा लगता है। ये सुन के हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आ गया। बोला, मैं तो विष्णु, मैं हूँ भगवान, मुझे पूजा करो, विष्णु कौन है? उसको बड़ा गुस्सा आया। वो प्रहलाद बोले, नहीं, आप वो भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु है, हमको अच्छा लगता है भगवान को पूजा करना। ये सुन के बड़ा गुस्सा हो गया वो, क्योंकि उनका जो भाई था हिरण्यकश्यप, उनको भगवान का जो बराह रूप था भगवान विष्णु का, वो उनको मार देते। तब से वो गुस्से में थे हिरण्यकश्यप कि हम बदला लेंगे, भगवान विष्णु को मार देंगे। इसलिए वो तपस्या करके ब्रह्मा से वर प्राप्ति कर लिया था। गुस्से के बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा, ये तो बच्चा है, अभी उसको कुछ मालूम नहीं है, हम एक काम करते हैं, अपना गुरु के बच्चे को बोलते हैं, उसको शिक्षा देंगे। उसके बाद वो अपनी उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके दो बेटों को वो बुलाया। एक था सद और एक था अमर्क, दोनों को बुलाए। बोले, साम दाम दंड भेद, जो शिक्षा है उसको दो और सारे बातें उसको समझाओ। वो दोनों प्रहलाद को लेके गए, सब कुछ सिखाए। प्रहलाद सब कुछ सोच रहे थे, समझ रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे करते करते दोनों गुरुपुत्र थक गए। एक दिन वो वापस आके हिरण्यकश्यप से बोले, वो तो सब कुछ सुन रहे, समझ रहे, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वो अजीब है, उनका संस्कार अजीब है, वो हमेशा विष्णु विष्णु करते हैं और बोलते हैं हर जगह पर विष्णु है, तो हम उसको ज्यादा नहीं समझा पाएंगे। तब वो क्या किया, हिरण्यकश्यप उनको ज्यादा क्रोध आ गया। बोले, नहीं अब तो नहीं होगा, ये तो नहीं सुधरेगा, अब हमें इसे मारना पड़ेगा। ये सोच के वो सैन्य को बुलाए, बोले इसको मार दो। सैन्य जब खड़गा लेके आए तब तो प्रहलाद बोले, आप लोग क्या मुझे मार देंगे? लेकिन कैसे मारेंगे, आपकी खड़ग में तो भगवान विष्णु है, मेरे अंदर भी विष्णु है, तो एक विष्णु दूसरे विष्णु को कैसे मार सकता है, ये तो नहीं होगा। फिर वो भी फेलियर हो गया। फिर हाथी से कुछ बलवाई कुचल भाई, फिर उनको जहर दिलाया, लेकिन समुद्र में फेंक दिए। बहुत सारे टेक्निक यूज किया उनको मारने के लिए, लेकिन उनको कामयाब नहीं हुए। उनका जो बहन थी होलिका, उनको एक वरदान थी, उनके पास एक ऐसी चादर थी जिसको ओढ़ के वो अगर आग में बैठेंगे उनको आग नहीं पकड़ेगी। वो अपनी बहन से बोले, हिरण्यकश्यपु तुम उसको आग में लेके बैठो और उसको भस्म कर दो। वो होलिका ऐसे की आग में लेके बैठ गई, लेकिन जो भगवान विष्णु थे वो चमत्कार कर लिए। वो उसका चादर जो था वो उड़ के प्रहलाद को ओढ़ लिए थे और भस्म हो गए होलिका, होलिका की मृत्यु हो गई। एक दिन हिरण्यकश्यपु गुस्से से उसको लेके आए, बोले तुम हर बार विष्णु 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 करते रहते हो, हर जगह में भगवान बोलते हो, भगवान है बोलते हो, तो इस खंभे में है क्या तुम्हारा भगवान?
वो बोला हाँ है। वो गुस्से से खंभे को मार दिया, इसे मारा तब भगवान नरसिंह वेश धारण करके बाहर आ गए और अपने नाखून से उसको दो पीस करके, गोधल का टाइम था क्योंकि वो बोला था रात को नहीं मरेगा, दिन में नहीं मरेगा, शाम होने से पहले जो टाइम था वही टाइम में उसको अपने नाखून से चीर के मार दिए। ये था एक रीजन। दूसरा रीजन ये है, भगवान कृष्ण काला थे, उनको सारे गोपियाँ जो काला काला बोल के चिढ़ाते थे, इसलिए वो होली के दिन सबको वेराइटी वेराइटी कलर लगा के बदसूरत बना देते थे, इसलिए मना जाते थे। फाइनली इसका एक ही रीजन है, मतलब अधर्म का विनाश होता है, धर्म का जय होता है, और हर तरफ भगवान है और सच्चाई का जीत होता है, यही इसका मेन रीजन है। ये होली सेलिब्रेशन का ये मेन उद्देश्य यही है। रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।